भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के विरोध में आज 30 बीजेपी विधायक मुजफ्फरनगर जाएंगे। बीजेपी हुकुम सिंह के अलावा 4 विधायकों के खिलाफ मुकदमे का विरोध कर रही है। नासिक से आसाराम के आश्रम को खाली करने के लिए 3 दिन का नोटिस भेजा गया। गोदावरी नदी के किनारे जहां यह आश्रम है वो ग्रीन जोन में आता है। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की कंपनी पर सर्विस टैक्स विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी में सर्विस टैक्स विभाग ने कई अहम फाइलों को जब्त कर दिया। रायबरेली के मुशीगंज इलाके में चेकिंग के दौरान एसपी नेता के समर्थकों और पुलिस के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। दबंगई दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आरपी यादव चेकिंग करने वाले सिपाही पर जमकर रौब झाड़ा। हिमाचल के सोलन में एक नाबालिग दरिंदगी का शिकार हुई है। संस्कृत कॉलेज के एक छात्रा को 3 लोगों ने पहले अगवा किया और फिर एक होटल में ले जाकर गैंगरेप किया। कानपुर के बर्रा इलाके में एक फर्जी फूड इंस्पेक्टर शिकंजे में आया। दुकानदारों पर धौंस जमा कर उनसे पैसे ऐंठता था। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक में नाराज बताए जा रहे मंत्री आजम खान शामिल नहीं हुए। आजम खान की तरफ से कहा गया है कि बीमार होने के चलते वो बैठक में नहीं पहुंचे। सीएम अखिलेश यादव से आजम इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस से अखिलेश की फोटो हटवा दी है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर अखिलेश से आजम नाराज हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर हिंसा मामले के दारुल उलूम देवबंद ने सीबीआई जांच की मांग की है। देवबंद इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दी गई न्यायिक जांच के आदेश से संतुष्ट नहीं है। मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि हर तरफ सेना के जवानों और पुलिस वालों का पहरा लगातार जारी है। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील भी दी। यूपी के मुजफ्फरनगर हिंसा में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालात नहीं बिगड़े इसके लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। निर्भया गैंगरेप के 4 गुनहगारों को अब शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। बुधवार को सजा पर बहस पूरी हो गई। निर्भया गैंगरेप केस के 4 गुनहगारों के लिए अभियोजन पक्ष ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस बताते हुए फांसी की सजा देने की मांग की है। आसाराम पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। पीड़ित लड़की के पिता ने आसाराम का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। पीड़ित के पिता ने कहा है कि पुलिस को आसाराम का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी करानी चाहिए। गिरफ्तारी के डर से भागी भागी फिर रही आसाराम की करीबी और छिंदवाड़ा आश्रम की स्टाफ शिल्पी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। उत्तराखंड में जून में आई तबाही के बाद केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू हुई। पूजा से पहले मंदिर का शुद्धिकरण और फिर प्राश्चितिकरण किया गया। केदारनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले और पूजा के लिए गर्भगृह में प्रवेश किया। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू होने पर खुशी जताई है। अयोध्या में 13 सितंबर को 84 कोसी परिक्रमा के होने वाले समापन कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। नजफगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का लोगों ने जमकर विरोध किया। दरअसल यहां के लोग चाहते थे कि ग्राम सभा की जमीन पर स्टेडियम बने, लेकिन सरकार ने यहां स्कूल खोल दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जेबीटी घोटाले में सजा पाए चौटाला ने इलाज के लिए मिली अग्रिम जमानत की मियाद बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ठुकरा दी। गुड़गांव के सेक्टर 48 में एक बुजुर्ग ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। चेन्नई के रहने वाले चंद्रमोहन ने उस वक्त सुसाइड किया जब उनके बेटे और बहू ड्यूटी पर गए थे।